The miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Namaskar, main hoon Praveen Gautam. AI के जमाने में बचकाना तर्क देते हुए मोहलत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI की धज्जियां उड़ा दी और इलेक्टोरल बोर्ड पर आर पार वाला आदेश दे दिया। SBI ने 30 जून तक की मोहलत मांगी थी इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, लेकिन आज CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने ये मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। और क्या आदेश दिया है चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, जरा सुनिए उनका बयान। Filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Good stuff. SBI is directed to disclose the details by the close of the business hours 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by 5 PM on 15 March 2024. सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में तीन बड़ी बातें हैं। पहली तो यह कि SBI ने जो 30 जून तक की मोहलत मांगी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरा आदेश SBI को दिया है कि 12 मार्च को यानी कल की डेट में वर्किंग आवर्स में इलेक्टोरल बोर्ड से जुड़ी सारी जानकारी एक एक जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी कल की डेट में वर्किंग आवर्स में। तीसरा आदेश इलेक्शन कमीशन को दिया है, इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया है कि 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बोर्ड की पूरी जानकारी आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो यह इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर आर पार वाला आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और SBI को जबरदस्त फटकार लगाई है। क्या फटकार लगाई SBI को? SBI ने जब मोहलत मांगी 30 जून तक की, साफ तौर पर इलेक्शन हो जाता 30 जून तक तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई फर्क नहीं पड़ना था, तो CJI ने कहा कि हमारा जो जजमेंट था 15 फरवरी को हमने आदेश दिया था कि आपको इलेक्शन कमीशन को सारी जानकारी देनी है और आज 11 मार्च हो गया है, पिछले 26 दिन में आपने क्या किया है? आपकी जो एप्लीकेशन है, जो अपील है जिसमें आप मोहलत मांग रहे हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया है कि आपने अब तक इस पर क्या काम किया है। आगे चीफ जस्टिस कहते हैं कि फिर भी आप चाहते हैं कि आपको और ज्यादा समय दिया जाए, तो यह फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। SBI का तर्क था कि पूरी जानकारी को दो अलग अलग जगह पर रखा गया है तो उसको मिलान करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई बहाने नहीं चले और चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया कि 15 मार्च तक सारी जानकारी इलेक्टोरल बोर्ड की इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर होनी चाहिए। आप कंप्यूटर के जमाने में बैलगाड़ी वाली रफ्तार से काम नहीं कर सकते जब एक क्लिक पर सारी जानकारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बंद लिफाफे में सारी जानकारी है तो लिफाफा खोलने का अब वक्त आ गया है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इलेक्टोरल बोर्ड पर आपको सारी जानकारी 12 मार्च की डेट में इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। आप सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।